हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पैम्स किचन एंड दिस इज़ प्रोमिला वर्मा। आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब एक डेजर्ट जो कि हम वर्मीसिली से बनाएंगे और एक बहुत ही अच्छे ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, एक पैन में मैं ले रही हूँ 3/4 बोल वर्मीसिली। ये रोस्टेड वर्मीसिली हैं, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं ये। तो इसको हम स्लो टू मीडियम गैस पे थोड़ा सा कुक करेंगे, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, जबकि ये पहले से ही थोड़ी रोस्टेड मिलती हैं, पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि ये खाने में एक अच्छा सा टेस्ट आता है उसके बाद। तो जैसे ही ये थोड़ी सी ब्राउन होती हैं तो फिर मैं इसमें डालूँगी 1 लीटर दूध है, ये बॉइल्ड दूध है, और इसको इस तरह से मैं पूरा इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। और रेशो जो है इसकी वर्मीसिली और दूध की आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये मैंने 3/4 वर्मीसिली कप मतलब बॉल मैंने लिया था और उसमें 1 लीटर मैंने दूध डाला है। 1 लीटर में से मैंने आधी कटोरी रख लिया है, तो उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ उससे हम क्या करेंगे। तो इसको एक बॉयल आने दें, तेज़ गैस करके एक बॉयल इसको अच्छे से दे दें और ओकेजनली बीच में से इसको हिलाते रहें ताकि कुछ भी नीचे ना लगे कढ़ाई के साथ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम हिलाते हुए इसको एक बॉयल आने तक इसको तेज़ गैस पर ही हम रखेंगे। तो ये बहुत ही एक क्विक सी रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है। और ये देखिए, जो मैंने दूध थोड़ा सा रखा था आधी कटोरी, उसमें मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। तो ये नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, कुछ भी इसमें लम्प्स या गांठ कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो मिक्स करके अब जो है ये कस्टर्ड पाउडर हम इसमें जो हम वर्मीसिली पका रहे हैं दूध में, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम इसको गैस को स्लो करके फिर आप कस्टर्ड डालें ताकि इसका ना जल्दी से लम्प्स बन जाते हैं। तो इसको गैस को एक बार कम करके फिर आप डालें। तो अब इसको आप एक बॉयल आने दें और फिर इसको गैस कम करके 5 मिनट तक थोड़ा सा थिक होने तक इसको उबलने दें। तो ये देख रहे हैं आप, कस्टर्ड डालते ही इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और अब हमने इसको 5 मिनट तक स्लो टू मीडियम करते हुए इसको पका लिया है और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये थिक हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर भी हो गया है। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है क्योंकि ठंडा करने के बाद ये और थिक हो जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम रखिए क्योंकि इस डेज़र्ट को मैं बाद में एक ट्विस्ट देने वाली हूँ। तो उसके लिए आप शुगर थोड़ी सी कम रखें जितनी आप लेते हैं उससे, ताकि बाद में कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो इस तरह से चीनी डालने के बाद इसको बॉयल दे करके और बस फिर हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देख पा रहे हैं आप कितनी थिक कस्टर्ड सेवियों की हमारी डेजर्ट हो गई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो का पल्प। ये मैंने 1 मैंगो लिया है, उसमें से मैंने कुछ का पल्प बना लिया है और थोड़े से मैंने पीसीज रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो ये पल्प हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस सेवियों के साथ। तो ये प्रोसेस आप पहले भी करना चाहें पहले भी करके रख सकते हैं, अगर ठंडा करने के बाद करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कैसे भी आप कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे बहुत सुंदर से ये बॉल्स में, और गार्निश कर रही हूँ मैं थोड़े से कटे हुए मैंगो के पीसेस और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट
और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी थोड़ी से दूध और थोड़ी सी हमारी एफर्ट से इतनी लाजवाब एक डेजर्ट बनके रेडी है। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपनी किचन में बनाइए और एंजॉय कीजिए। मैंगो का सीज़न है और ये बहुत अच्छी लगती है मैंगो के इस ट्विस्ट के साथ। तो रेडी है ना आप इसको टेस्ट करने के लिए, तो बनाइए और टेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको और किस तरह का वीडियो देखने पसंद है। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।